लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिखेरने वाली श्रद्धा, संतों, सदाचारियों, सद्व्रतियों और सद्आत्माओं के हृदय में निवास करने वाली श्रद्धा, वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य सूर्य देव और देवी संज्ञा का विवाह संपन्न होता है। त्रिदेवों ने नव दंपत्ति को वैवाहिक जीवन की मंगल कामना का आशीर्वाद दिया। निश्चित समय पर संज्ञा ने यमदेव तथा उसकी जुड़वा बहन यमी को जन्म दिया। जन्म लेते ही यम और यमी हरि कृपा से युवा हो गए और अपनी माता से मिलने उनके
कक्ष में पधारे। माता श्री के चरणों में पुत्र यम का प्रणाम। प्रणाम माता श्री। माता, तुम प्रतिदिन किन विचारों में खोई रहती हो? हमने सदा आपको उदास देखा है माता। तुम्हारी उदासी का क्या कारण है माता? क्या हम आपके दुख को ज्ञात करने के योग्य नहीं? क्या तुम्हारे दुख का कारण हम भाई बहन हैं? क्या हमसे कोई अपराध हुआ है माता? सत्य तो यह है कि अपनी माता को प्रसन्न देखने के लिए हम तरस गए हैं। उत्तर दो माता, आपकी अप्रसन्नता का कारण क्या है? उत्तर दो माता, उत्तर दो। आज आपको अपने दुख का कारण बताना ही होगा माता। यदि हमसे कोई अपराध हुआ हो माता, तो आप हमें दंड दो। नहीं अम्यमी, नहीं। तुम दोनों मेरे अत्यंत प्रिय हो। तुम दोनों के अपराध का प्रश्न ही नहीं उठता। तुम दोनों के लिए मेरे मन में अपार प्रेम है। माता, अपने दुख का कारण बताएं। मेरे दुख का कोई कारण नहीं है पुत्र, बस यूं ही मेरा मन अशांत रहता है। किंतु क्यों माता? हम आपकी इस अशांति का कारण ज्ञात करने के इच्छुक हैं माता, हमें स्पष्ट बताएं। क्या हमारे तेजस्वी पिता सूर्यदेव आपसे अप्रसन्न हैं, अथवा आप स्वयं ही उनसे असंतुष्ट हैं? हट ना करो यमयमी, मुझे अपने दुखों के साथ छोड़ दो। नहीं माता नहीं, आज तुम्हें अपने दुखों का कारण बताना ही पड़ेगा। बताइए माता, बताइए। यम, यमी, ये सत्य है कि तुम्हारी माता सदा हमसे असंतुष्ट रही। पिताश्री प्रणाम। असंतुष्ट ही नहीं यम, यमी, विवाह के पश्चात देवी संज्ञा सदा हमसे भयभीत भी रही। किंतु भय का कारण क्या था पिताश्री? यम, तुम्हारी माता सोचती हैं कि हमारा तेज इन्हें भस्म कर देगा। हमने अनेकों बार इन्हें समझाया कि हमारा तेज तो भारी संसार के लिए है, तुम्हारे लिए तो हमारे हृदय में अपार शीतल प्रेम है। स्वामी, अबोध बालकों के सन्मुख ये पुराण वाचना आवश्यक है क्या? तुम्हारे भय नाश के लिए संभवतः यम यमी से इस पुराण का परिचय होना परमावश्यक है। अपने ही समान हम भी तुम्हारे प्रेम के प्रतिदान के इच्छुक हैं। तुमने सदा हमारे प्रेम को ठुकरा कर हमें भय और उपेक्षा के साथ ही देखा। तुम ही बताओ यम यमी, क्या ऐसे वातावरण में जीवन व्यतीत करना संभव है? आप सदा मेरा ही दोष ढूंढते रहे। एक ओर शाब्दिक सांत्वना दी, किंतु दूसरी ओर अपना तेज बढ़ाकर मुझे भयभीत करते रहे और प्रसन्न होते रहे। पति का निश्चल प्रेम आपने कभी भी प्रदान नहीं किया। संज्ञा, तुम हम पर मिथ्या आरोप लगा रही हो। ये मिथ्या आरोप नहीं, सत्य है। मेरे भय को दूर करने का सार्थक प्रयास आपने कभी नहीं किया। तुम पुनः हम पर मिथ्या आरोप लगाकर हमारी सहन शक्ति को समाप्त कर रही हो संज्ञा। सत्य तो यह है कि तुम्हारे साथ रहकर आज तक मैंने अत्यधिक सहन किया। मेरी भी सहन शक्ति अब समाप्त हो गई है। आप जैसे व्यक्ति के साथ रहना असंभव है। मैं आपके साथ एक पल भी नहीं रहूंगी, ये मेरा प्रण है। माता, 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 रुक जाइए माता, 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 हमें छोड़कर ना जाए माता, माता,
माता, हमें आपकी स्नेह छाया की आवश्यकता है। माता न जाइए। माता नहीं, अब मैं लौट कर नहीं आऊंगी। अपनी प्रतिज्ञा के पश्चात मेरा सूर्यलोक लौटना असंभव है। माता भैया, भैया हमारी माता सूर्यलोक छोड़कर चली गई, अब हम भी यहाँ क्यों रहे? सत्य कह रही हो बहन, सत्य कह रही हो। माता की स्नेह छाया के बिना हमारा भी सूर्यलोक में रहना असंभव है। मैं सूर्यलोक छोड़कर पृथ्वी पर चली जाऊंगी। स्वयं को जल में परिवर्तित कर यमुना नदी बन जाऊंगी, यमुना नदी बन जाऊंगी। देवी यमी, मैं पर्वतराज हिमालय आपका पृथ्वी लोक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जय हो देवी यमुना तुम्हारी जय हो, जय हो यमुना तुम्हारी जय हो, जय हो जय हो देवी यमुना तुम्हारी जय हो। देवी यमुना की भगवान श्री विष्णु की कृपा से आपकी व्यथा हमसे अज्ञात नहीं है। देवी यमी, अपने दुख और व्यथा को भूलकर आप जिस प्रकार पृथ्वीवासियों को तृप्त करने यहाँ पधारी हैं वह आदरणीय है। कथा और पुराण सदैव आपकी कर्तव्य निष्ठा का गुणगान करते रहेंगे। पर्वतराज हिमालय, आपका स्थान मेरे लिए पिता सूर्यदेव और माता संज्ञा की भांति आदरणीय है। आपने अपने राज्य के पर्वत क्षेत्र में मुझे स्थान देकर धन्य कर दिया। सत्य तो ये है देवी अमी, आपके चरणों का परम पावन स्पर्श पाकर न केवल मैं अपितु समस्त पृथ्वीवासी भी पवित्र और धन्य हो जाएंगे। आज से ये पर्वत शिखर आपकी उत्पत्ति के क्षेत्र के रूप में यमुनोत्री के नाम से विख्यात होगा। जन जन को तृप्त करने पधारी देवी यमुना की जय। जन जन को तृप्त करने पधारी देवी यमुना की जय। माँ लौट आओ, लौट आओ माँ, माँ हमें इस तरह छोड़कर मत जाओ। माँ मत जाओ, माँ लौट आओ, लौट आओ माँ, माँ लौट आओ, हमें छोड़कर मत जाओ माँ, माँ लौट आओ, लौट आओ माँ, माँ हमें इस तरह छोड़कर मत जाओ, माँ मत जाओ, माँ लौट आओ, लौट आओ माँ, माँ लौट आओ। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि नारद। दुख और व्यथा के संकट काल में आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपकी उपस्थिति सदा मंगल का प्रतीक मानी जाती है। आप निश्चित ही मेरी व्यथा शमन करने के उद्देश्य से यहां पधारे होंगे। नारायण नारायण, मुझे आपके दुख और व्यथा का ज्ञान है यमदेव। आपकी माता देवी संज्ञा के पश्चात आपकी भगिनी देवी यमी भी यमुना बनकर पृथ्वी लोक पहुंच गई है। अपनी माता और बहन को इस प्रकार जाते हुए देखकर भी मैं कुछ ना कर सका। मुझसे यमी की अवैधता नहीं देखी जाती, देव ऋषि नहीं देखी जाती। मां मत जाओ, मां लौट
लौट आओ माँ, माँ लौट आओ, हमें छोड़कर मत जाओ माँ, माँ लौट आओ, लौट आओ माँ, माँ हमें इस तरह छोड़कर मत जाओ, माँ मत जाओ, माँ लौट आओ, लौट आओ माँ, माँ लौट आओ। देवी यमी के भविष्य के विषय में चिंतित न हो यमदेव, अर्थात नारायण नारायण। सतयुग और त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग में जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु धर्म के संस्थापन के लिए पृथ्वी लोक पर श्री कृष्ण का अवतार धारण करेंगे। तब आपकी बहन यमुना का तट उनकी बाल लीलाओं का केंद्र बनेगा। नारायण नारायण। प्रभु के चरणों का स्पर्श पाकर देवी यमी अपने पिछले सारे दुख भूल जाएंगी। अपनी बहन का सौभाग्य सुनकर मैं धन्य हुआ देवऋषि, किंतु मैं आपसे एक प्रश्न पूछने का इच्छुक हूँ। नारायण नारायण। यमदेव, आप यही ज्ञात करने के इच्छुक हैं ना कि आपकी माता और बहन देखते ही देखते आपसे दूर चली गई और आपके पिता ने उन्हें रोकने का प्रयास भी नहीं किया। हाँ देवऋषि, क्या ये हमारे पिता सूर्यदेव का अन्याय नहीं है? न्याय अन्याय के विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता यमदेव। नारायण नारायण। किंतु मुझे इतना ज्ञात अवश्य है कि हर घटना से एक नई घटना का जन्म होता है और इसके चमत्कारी परिणाम भी निकलते हैं। क्षमा करें देवऋषि, मैं आपकी सांकेतिक भाषा को समझने के योग्य नहीं, कृपया आप सरल भाषा में मेरी शंका का समाधान करें। आपकी योग्यता के विषय में मुझे और संसार को तनिक भी संदेह नहीं है, किंतु आप सरल भाषा में सुनने के इच्छुक हैं तो सुने। नारायण नारायण। आपका सूर्य लोक से बहिर्गमन यम लोक में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए हुआ है। यम लोक? हाँ सूर्य पुत्र यमराज जी, आप शीघ्र ही यम लोक पहुंचे। वहां मेरे मानस पिता ब्रह्मदेव के आदेशानुसार धर्मराज और चित्रगुप्त आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माता और बहन के जाने के पश्चात सूर्यलोक से मेरा भी संबंध टूट गया है। देवऋषि नारद, आपका मार्गदर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। अब यमलोक ही मेरा स्थायी निवास होगा। मुझे आज्ञा दें। प्रणाम। देवी संज्ञा के पुत्र और पुत्री को इस घटना से उनका स्थायी स्थान मिल गया, किंतु अब देवी संज्ञा का क्या होगा? दीदी दीदी, विवाह के पश्चात तुम पति प्रेम में ऐसी डूबी कि हमें तो भूल ही गई। मैंने पिताश्री से कई बार कहा कि तुम्हें बुलाएं, किंतु उन्होंने मेरी विनती स्वीकार ही नहीं की। क्या बात है दीदी, तुम्हारी आंखों में अश्रु, सब कुशल तो है? पुत्री संज्ञा, कैसी हो पुत्री? विवाह बेला के पश्चात तुम्हें आज देख रही हूं। क्या तुम अकेली आई हो? मेरे तेजस्वी दामाद सूर्यदेव कहाँ हैं? माता, मैंने सूर्य लोक का सदा सदा के लिए त्याग कर दिया है। संज्ञा, अर्थात तुमने अवश्य अपने पति से कोई वाद विवाद किया होगा, उन्हें अप्रसन्न किया होगा। आप ये क्यों नहीं पूछते पिताश्री कि उन्होंने मुझे कितना अप्रसन्न किया है, मेरे स्वाभिमान को कितना अधिक आहत किया है? उस घोर अपमानजनक स्थिति में मैं भला कैसे रह सकती थी? तुम अब माँ बन गई हो संज्ञा, क्या सूर्यलोक छोड़ते समय तुम्हें अपने पुत्र यम और पुत्री यमी का भी विचार नहीं आया? वे बालक नहीं है माता श्री, जब मैंने सूर्यलोक में ना रहने का निश्चय कर ही लिया तो उन सब की चिंता क्यों करूं? मैं सदा सदा के लिए यहां रहने आई हूं। नहीं संज्ञा, पति का घर त्यागने वाली नारी के लिए
पिता के घर में भी स्थान नहीं होता, तुम्हारे लिए यहां भी कोई स्थान नहीं है। सूर्यदेव की अनुमति के बिना हम तुम्हें यहां कदापि नहीं रख सकते। इतने अधिक कठोर ना बने पिताश्री। पुत्री बहिष्मती, धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को पग पग पर परीक्षा देनी पड़ती है। मैं पुत्री के मोह में धर्म के मार्ग को छोड़ नहीं सकता। किंतु धर्म का मार्ग? हाँ पुत्री, धार्मिक व्यवस्था के अनुसार विवाह के पश्चात कन्या का सुख संसार उसके पति का घर ही होता है। अपनी बहन से कहो कि वो सूर्यलोक लौट जाए और सूर्य देव से अपने किए की क्षमा याचना करे। मैं वहां कदापि लौट कर नहीं जाऊंगी, ये मेरी प्रतिज्ञा है पिताश्री। तो पिता के घर में भी तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है संज्ञा, जैसे तुम आई थी वैसे ही लौट जाओ। हाँ हाँ लौट जाऊंगी, जब पति द्वारा अपमान नहीं सहा तो पिता का क्यों सहूंगी। पुत्री संज्ञा। दीदी। संज्ञा का अनादर न करें स्वामी। दीदी को बुला लें पिताश्री। संज्ञा बड़े हठी स्वभाव की है, कुछ अनर्थ न कर ले। जगदीश्वर भगवान विष्णु की इच्छा यदि अनर्थ की ही होगी तो वो भी मुझे स्वीकार है, किंतु मैं अपने धर्म पद से डिग नहीं सकता। मैं विवश हूं, विवश हूं मैं। श्रद्धा हूं। मानव जीवन में भक्ति की ज्योति जलाने वाली श्रद्धा हर मन को कर्म और निष्ठा से जोड़ने वाली श्रद्धा हर जीवन में प्रभु स्मरण की अलख जगाने वाली श्रद्धा मैं श्रद्धा हूं। यम यमी की माता बनने पर भी देवी संज्ञा का भय समाप्त नहीं होता। अंततः सूर्य देव का विरोध करने पर देवी संज्ञा उन्हें प्रताड़ित करते हुए पतिग्रह का त्याग कर देती है। उद्विग्न यमी की आंख से बहते अश्रु नदी का रूप धारण कर पृथ्वी वासियों को तृप्त करने के लिए यमुना का रूप धारण कर बह निकलते हैं। नारद जी का परामर्श पाकर दुखी यमराज यमलोक प्रस्थान करते हैं। देव शिल्पी विश्वकर्मा देवी संज्ञा को प्रताड़ित करते हुए पिता के घर में आश्रय प्रदान नहीं करते। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। अपने पति ग्रह को त्याग कर तुमने उचित नहीं किया देवी संज्ञा। परमपिता ब्रह्मदेव के आदेश पर मैंने तुम्हारा विवाह संबंध सूर्यदेव जैसे तेजस्वी ग्रहपति के साथ जोड़ा था। नारायण नारायण। तुम्हें इस दुर्दशा में देखकर मैं अपने आप को ही दोषी समझने लगा हूं। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि नारद। मैं तो तुम्हें तुम्हारे महान पति सूर्य देव से पुनर्मिलन का ही आशीर्वाद दूंगा देवी संज्ञा। मेरे कल्याण मेरे मंगल का आशीर्वाद आप क्यों नहीं देते देवर्षि? नारायण नारायण। क्योंकि पति से दूर रहकर
किसी भी नारी का मंगल और कल्याण हो ही नहीं सकता। विवाह के पश्चात नारी का स्वर्ग उसके पति का घर ही है। क्षमा देवर्षि, क्षमा, आप जिस पति गृह को स्वर्ग संबोधित कर रहे हैं, आपके उसी स्वर्ग में मैंने नरक से भी भयानक यातना झेली है। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद ना दे जो पुनः मेरी यातना का कारण बने। देवी संज्ञा, उस यातना को झेलने का उत्तरदायित्व भी तुम्हारा है। देवर्षि, तुमने सूर्यदेव के ताप और तेज के विषय में अकारण ही एक भ्रम अपने मन में पाल रखा है। क्या विवाह के पश्चात इतने वर्षों में एक बार भी सूर्यदेव ने अपने ताप से तुम्हें दग्ध किया? अपनी तेजस्विता और ताप का उल्लेख करके सूर्यदेव ने मेरी उपेक्षा तो की, प्रतिदिन मेरे स्वाभिमान को आहत तो किया। तेजस्विता और ताप का उल्लेख करने के लिए तुमने ही सूर्यदेव को बाध्य किया। ये असत्य है देवर्षि नारद। सत्य तो ये है कि सूर्यदेव के तेज के बिना इस संसार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसीलिए आप सब मुझे अपमानित कर रहे हैं। नारायण नारायण, ये भी तुम्हारा भ्रम है देवी संज्ञा। तुम सूर्यदेव से इस संसार की कल्पना की बात कर रही हो। तनिक सोचो, सूर्यदेव को भी अपनी तेजस्विता और ऊर्जा प्राप्त कहां से होती है? अर्थात एक नहीं करोड़ों करोड़ सूर्यों के तेज से भी अधिक तेजस्वी जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु से। नारायण नारायण, उचित तो यही होगा देवी संज्ञा कि तुम पुनः अपने पति सूर्यदेव की शरण में लौट जाओ। कदापि नहीं देवर्षि, कदापि नहीं। मैं सूर्यलोक कभी नहीं लौटूंगी। यदि लौटना ही था तो मैं वहां से निकलती क्यों? नारायण नारायण, तो क्या पति और पिता के आश्रम से वंचित रहकर तुम सदा इसी प्रकार भटकती रहोगी? तुम भले ही सूर्यलोक से निकल आई हो, परंतु तुम सूर्यदेव की पत्नी और यमयमी की माता हो। घटनाओं से परिचय नहीं बदलता देवी संज्ञा। अपने हट को त्याग कर संसार को प्रकाशित करने वाले अपने महान पति की प्रतिष्ठा का ध्यान तो रखो। नारायण नारायण, गृहपति सूर्यदेव की धर्म पत्नी इस प्रकार पृथ्वी लोक पर निरुद्देश्य भटकती रहे, ये सर्वथा अनुचित है। तो फिर आप ही बताइए देवर्षि कि मैं क्या करूं? संकट की इस घड़ी में अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। स्मरण करो देवी संज्ञा कि तुम्हारे विवाह के शुभ अवसर पर स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश ने उपस्थित होकर तुम दोनों को सुख शांति संतुष्टि और कल्याण का आशीर्वाद दिया था। वो मेरे जीवन का अविस्मरणीय दिन था देवर्षि। तो वो आशीर्वाद मिथ्या नहीं हो सकता देवी संज्ञा। तुम अपने पति सूर्य देव के इष्ट देव जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु के नाम का जाप करते हुए तपस्या करो। जय श्री हरि। जय श्री हरि के नाम के निरंतर जाप से तुम्हारी हर दुविधा का अंत होगा, तुम्हें कष्टों से मुक्ति प्राप्त होगी। जय श्री हरि। तुम्हारा कल्याण हो देवी संज्ञा। नारायण नारायण। हाँ, मैं जाप करूंगी। जय श्री हरि। प्रभु, स्वामी, महाप्रभु, सारा संसार जानता है कि योग निद्रा में मग्न रहते हुए भी आप संसार की हर एक गतिविधि पर ध्यान रखते हुए सृष्टि पालन का कार्य करते हैं। स्वामी, मेरे मन में उठते हुए प्रश्नों से आप अवश्य परिचित होंगे।
कृपया उत्तर दें प्रभु कि आपके परम भक्त सूर्यदेव इतने अधिक निष्ठुर कैसे हो गए। सूर्यदेव ने देवी संज्ञा की भावनाओं को समझने का प्रयत्न क्यों नहीं किया? मेरे प्रश्न का उत्तर दें स्वामी, मेरी जिज्ञासा का शमन करें स्वामी। क्या आप अपने परम भक्त सूर्यदेव के विरुद्ध कुछ भी कहने के इच्छुक नहीं? सूर्यदेव तो हमारे परम भक्त हैं, ये अटल सत्य है देवी लक्ष्मी, किंतु इस कारण हम उनके विरुद्ध कुछ कहने के इच्छुक नहीं, ये असत्य है। हम अपने भक्तों की धार्मिक निष्ठा तथा आचरण की परीक्षा अधिक कठोरता से लेते हैं कि वे कहीं हमारी भक्ति का दिखावा तो नहीं कर रहे। तो क्या आप सूर्य देव को उनकी निष्ठुरता के लिए प्रताड़ित करेंगे? नहीं देवी लक्ष्मी, देवी संज्ञा के प्रति सूर्य देव के व्यवहार में हमें निष्ठुरता नहीं दिखाई पड़ती। स्वयं देवी संज्ञा ने आशंकाओं और भ्रम से अपना जीवन कष्टमय कर लिया है, हमें उनके प्रति तनिक भी अपेक्षा भाव नहीं है, किंतु इस दुर्घटना की उत्तरदायी वे स्वयं ही हैं। देवी संज्ञा का एकाएक सूर्य लोक तथा सूर्य देव को त्यागना अनुचित है देवी लक्ष्मी। परंतु स्वामी, आपके परम भक्त तथा संसार में आपकी प्रेरणा के रूप में विख्यात देवर्षि नारद के कहने पर अब देवी संज्ञा आपकी आराधना के लिए तत्पर हुई हैं। क्या अब भी आप उनके संकट का अंत नहीं करेंगे? महादेवी, एक नारी के दुख तथा अपमान को देखकर तुम्हारा नारीत्व जागृत हो गया है, किंतु तनिक सोचो कि जो नारद संसार में हमारी प्रेरणा के रूप में विख्यात है, क्या वो बिना हमारा निर्देश पाए देवी संज्ञा को परामर्श देने गए होंगे? अर्थात देवी संज्ञा को दुख और कष्टों से मुक्ति मिलेगी, अपमान और यातना के स्थान पर सम्मान और प्रेम मिलेगा? यदि वो सच्चे हृदय से हमारी आराधना करने में सफल होगी तो ऐसा ही होगा महादेवी। जो भक्त अपनी समस्त माया, मोह, पाप, दोष, अहंकार को त्याग कर हमारी शरण में आ जाता है, हम उसके समस्त कष्टों का अंत कर देते हैं। स्वामी, तुम निश्चिंत रहो महादेवी, संज्ञा के हृदय में उठता ब्रह्म जाल अवश्य नष्ट होगा, उसे अपने कर्तव्य का ज्ञान होगा। दूसरी ओर सूर्य देव भी सत्य को समझेंगे, परंतु परंतु क्या स्वामी? परंतु उससे पूर्व सूर्य देव और देवी संज्ञा के जीवन में अनेक विचित्र घटनाएं घटित होंगी। जय श्री हरि, 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 जय श्री हरि।
जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। संध्या की प्रार्थना सुने स्वामी, उसे कष्ट मुक्ति का वरदान दे जगदीश्वर। जय श्री हरि। हाँ महादेवी, अब वो समय आ गया है। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। माँ लौट आओ, लौट आओ माँ, माँ हमें इस तरह छोड़कर मत जाओ, माँ मत जाओ, माँ लौट आओ, लौट आओ माँ, माँ लौट आओ, हमें छोड़कर मत जाओ माँ, माँ लौट आओ, लौट आओ माँ, माँ हमें इस तरह छोड़कर मत जाओ, माँ लौट आओ, लौट आओ माँ, माँ लौट आओ। भैया यमराज, पिताश्री, पिताश्री, पिता सूर्यदेव, हमारी प्रिय माता कहाँ है? यम, यमी, आप तो संपूर्ण विश्व का भ्रमण करते रहते हैं पिताश्री, कृपया बताएं हमारी माता कहाँ है? पिताश्री, हम अपनी माता के दर्शन के लिए व्याकुल हैं, बताएं हमारी माता कहाँ है? यमदेव, यमुना, हम तुमसे असत्य नहीं कहेंगे, हमें ज्ञात है कि तुम्हारी माता कहाँ है। तो हमें भी बताइए पिताश्री। हम दोनों आपके और माता के परस्पर विरोध से उद्विग्न हैं। हम आपके और माता के पुनर्मिलन के इच्छुक हैं पिताश्री। यमी, यमदेव, तुम्हारी माता संज्ञा एक दृढ़ प्रतिज्ञ और स्वाभिमाननी है, वे तुम्हारे मनाने से मानने वाली नहीं है, और हम स्वयं तुम्हें इसकी स्वीकृति नहीं देंगे कि तुम अपनी माता को सूर्यलोक लौट आने के लिए मनाओ। तो क्या इस विवाद का कभी अंत ना होगा पिताश्री? जब तक संज्ञा स्वयं लौटकर नहीं आती, तुम दोनों का कल्याण हो। जय श्री हरि, 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 जय श्री हरि। देवी संज्ञा, तुम्हारा नारायण व्रत पूर्ण हुआ, हम प्रसन्न हैं। जय श्री हरि। आंखें खोलो देवी संज्ञा, आंखें खोलो। प्रभु, हे जगत पालक, आपको प्रणाम। हे भक्तवत्सल, हे चतुर्भुज भगवान विष्णु, आप परम दयालु हैं। आपके प्रत्यक्ष दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हुआ। हे जगदीश्वर, अब आप ही मेरी दुविधा
और कष्टों का अंत करे। तुम्हारी दुविधा का कारण स्वयं तुम्हारा मन है, अपनी कष्टों का कारण भी तुम ही हो। हम तो तुम्हारे मन का भ्रम जाल तोड़ने तथा तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए ही यहां प्रकट हुए हैं। तुम अपने पति सूर्यदेव से पुनर्मिलन के इच्छुक हो अथवा नहीं? सूर्यदेव के प्रति तुम्हारे मन में समाये भय से हम अपरिचित नहीं है संज्ञा। तुम्हारे भय को इसी क्षण हम अपनी दिव्य शक्ति से समाप्त कर देंगे। उसके पश्चात तुम स्वयं अपने पति से मिलने के लिए उत्सुक हो जाओगी। क्या आपकी दिव्य शक्ति के प्रभाव से उनके मन से मेरी उपेक्षा का भाव भी समाप्त हो जाएगा? अवश्य, किंतु उसके लिए तुम्हें एक भिन्न प्रकार की तपस्या करनी होगी। सूर्य देव से पुनर्मिलन होने तक प्रतीक्षा भी करनी होगी। आप मेरे कल्याण के लिए जो कुछ भी उचित समझे वही करे प्रभु। हरिओम। देवी संज्ञा के शरीर की छाया से आकार प्राप्त करने के कारण संसार तुम्हें देवी छाया के नाम से संबोधित करेगा। मेरे लिए क्या आज्ञा है जगदीश्वर? आप सूर्य लोक पहुंचकर सूर्य देव को संतुष्ट करें देवी छाया। जो आज्ञा प्रभु। भगवान श्री विष्णु, ये कैसा विचित्र रूप प्रदान कर दिया आपने मुझे? क्या ये मेरे पापों का दंड है? क्या अब मुझे जीवन पर्यंत इसी अश्विनी के स्वरूप में रहना पड़ेगा? क्या मेरे नारायण व्रत का यही फल मिलना था मुझे? अपने ही भ्रम जाल में उलझकर तुमने अहंकार अवश्य किया था, किंतु कोई पाप नहीं किया। तुम्हारा ये स्वरूप तुम्हारे और सूर्य देव के पुनर्मिलन के लिए हमारी लीला मात्र है। किंतु कब तक प्रभु? तुम्हारी प्रतिरूप छाया के लौटने पर तुम अपना पूर्व व्रत रूप पुनः धारण करोगी और तब सूर्य देव भी तुम्हें सहर्ष स्वीकार करेंगे। तुम्हारा हृदय भी उनके प्रति पूर्ण समर्पित होगा। जो आज्ञा प्रभु। किंतु जब तक वो अवसर ना आए तुम निरंतर ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करती रहो। तुम्हारा कल्याण हो। मनन है कृतिकार का, तप ही साधन तप ही कारण, जीव के उद्धार का व्रत है तृप्ति व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का दर्श है ओंकार का। ज्ञान की से ही पहचान होती, सर्वशक्तिमान की व्रत ही देता हर एक जन को सच्ची शिक्षा।
की सच्ची शिक्षा ध्यान की।